विजुई फ्रेंड्स, अगेन आप सबका स्वागत है आज के मेरे इस नए ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लाई हूँ नोएडा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है अतिथियम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट है नोएडा के सेक्टर 104। चलिए चलते हैं, करते हैं इसको एक्सप्लोर, इसके एम्बियंस और इसके फूड को। फ्रेंड्स, हम इस समय नोएडा के सेक्टर 104 पर, यहाँ पर इस तरह के कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके अंदर रेस्टोरेंट्स और कैफे हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अतिथियम के अंदर। बाहर ऑन रोड आपको इस तरह से साइन बोर्ड दिख जाएंगे जो आपको रेस्टोरेंट की डायरेक्शन दिखाएंगे। अतिथियम रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ जाने के लिए आपको स्टेयर्स और लिफ्ट दोनों के ही ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेके चलते हैं आपको इस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ मुझे एक टिपिकल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की फील और वाइब मिली। रेस्टोरेंट ज्यादा हाई फाई और शोई नहीं है। यहाँ के इंटीरियर में आपको एंटीक वुडन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। रेस्टोरेंट काफी ज्यादा स्पेशियस है विद डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ का इंटीरियर डेकोर काफी सिंपल और एलिगेंट है जो आपको साउथ इंडियन कल्चर की फील देते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर वॉश बेसिन और सेपरेट वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको लेके चलते हैं रेस्टोरेंट के सेंटर में, जहां पर ये क्यूट सा हट स्टाइल सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है जहां पर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मील एंजॉय कर सकते हैं। इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा यहाँ पर आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी है जिसे सेपरेट करती है ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल ग्लास वॉल। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको लेके चलते हैं इसके आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट में। यहाँ की आउटडोर सेटिंग एक रोमांटिक डेट नाइट और इवनिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। फ्रेंड्स, और अब चलते हैं रेस्टोरेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है फूड। मेन्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर साउथ इंडियन क्यूसाइन की काफी सारी वैरायटी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर वेज, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन और चाइनीज फूड भी मिलता है। यहाँ पर कई सारे फूड ऑफर्स भी चलते हैं जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हमने अपने लंच के ऑर्डर में सबसे पहले मंगवाया पिज्जा डोसा और फ्रेंड्स, पूरे दिल्ली एनसीआर में पिज्जा डोसा आपको केवल इस रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। ये पिज्जा डोसा एकदम पिज्जा सा ही लग रहा था। फर्क ये था कि ये जो कि साउथ इंडियन था तो एक बनाना लीफ के ऊपर सर्व किया गया था। पिज्जा डोसा हमें काफी टेस्टी लगा, हम सबको खाने में ये बहुत पसंद आया। इसका जो बेस था वो मैदे का नहीं बल्कि डोसे के बैटर का था और टेस्ट में ये बिल्कुल एक पिज्जा जैसा ही था। और फ्रेंड्स, हमारा अगला ऑर्डर था अफगानी चिकन। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। ये आया था हरी चटनी के साथ और फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। जो चिकन था बहुत ही ज्यादा वेल कुक्ड था और इसे भी खाने में बहुत मजा आया। चिकन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, किड्स के लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और हमारा नेक्स्ट ऑर्डर था ग्रिल्ड लेमन फिश। आप देख सकते हैं क्वांटिटी में ये काफी अच्छा था। चलिए अब करते हैं इसको टेस्ट। फ्रेंड्स, ये एक बोनलेस फिश थी जो वेल कुक्ड थी और इसका टेस्ट भी हमें अच्छा लगा। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी। और लंच कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमें मिली सौफ और गुड़। और फ्रेंड्स, हमारा टोटल बिल आया कुछ 1500 रुपीस के आसपास जिसे हमने डाइन आउट ऐप से पे किया और लिया 20% डिस्काउंट। हे फ्रेंड्स, तो आपको आज का मेरा ये अतिथियम का साउथ इंडियन फूड ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स मिलते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।